अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं अभी किचन में आई थी और मैंने कहा लाओ कुछ करती हूँ। मैं सब्जी बना रही थी, मैंने कहा मैं ये भी कर दूँ। इसमें हाँ जी मैं ऑयल मैंने डाला है, बने डॉक हाँ जी सालन बनाने वाले थे। ये गरम हो जाए, अब इसमें डालती हूँ जीरा। अब इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून है लहसुन अदरक पिसा हुआ। इसमें मैंने ये मिर्च हल्दी और नमक जीरे में मैंने ना आलू गोभी बना रही हूँ जीरे में बघा रही। अब ये इसके ऊपर मैंने ये टमाटर 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने हाफ कर लिया इस तरह साबुत, और अब मैंने इस तरह रखना है छिलका ऊपर ये उल्टे इस तरह करके ये रिमूव हो जाएंगे छिलके इसके। दो मिनट की मैं इसे स्टीम दूंगी, एक बस 1-1.5 मिनट 2 सीटी है इसकी बोले तो मैंने कर लेना है बंद ताकि छिलके उतर जाए, इसके छिलके अभी उतर जाएंगे। अभी इसके छिलके उतर जाएंगे और फिर बाद में ये सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और अदरक ऊपर से गार्निश। ये अभी हो जाएगी, इस प्रेशर कुकर की सीटियां भी आप सुने अभी बजती है कैसे बजेगी। ये छोटा सा प्रेशर कुकर है, बड़ा मज़े का, इसमें बड़ी ज़बरदस्त हांडी बन जाती है और इसकी स्टीम भी ऐसे बोलती है कि इंसान डर जाता है। क्या हो गया, बस ये इतनी सीटी बोलती है
और ये आप मतलब एक बोलिए फिर दूसरी बोलेगी तीसरी बोलेगी, इसमें ये होता है कि आइडिया हो जाता है कि इतनी बच गई और मसाला भून गया, इसमें ये चीज है। स्टीम निकल गई, ये अब इसके ये देखें छिलके अपना खुद ब खुद ये ऊपर आ गए, ये देखें छिलके ऊपर आ गए। ये देखें ये देखें मसाला, एक सेकंड में टमाटर सारे मैश हो जाएंगे। मिनट एक मिनट ही नहीं लगता और इतनी जल्दी मिक्स हो जाते हैं टमाटर। छोड़ दिया उसमें, मसाला भुन गया हुआ है ना, ऑयल छोड़ दिया, मसाला जैसे फटने लगे तो समझे भुन गया। जिसमें मैं अब डाल देती हूँ आलू को और गोभी दोनों एक साथ में डाल दूंगी मिक्स और ये स्टीम में हो जाएंगी। मैंने तो इसका नाम कुकर का छोटा सा तो है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है कुकरी, थोड़ी छोटी सी कुकरी है ये। बस अब मैंने इसमें कुछ नहीं डालना पानी, इसको मैंने वेट लगा के और ऐसे ही दम पे रख देना बस। ये आलू भी जाहिर है दम में गल जाते हैं और गोभी भी, ये दोनों चीज़ें मेरी दम में गल जाएंगी। मैं दोबारा इसको वेट लगा देती हूँ। अच्छे ये देखें इसको, ये मैंने वेट रख दिया, वेट अगर लगा दिया है तो अब ये खुलेगी नहीं कुकर, बस लॉक हो गया।
इसका ढक्कन जब भी खुलना है उस टाइम, जिस वक्त ये वेट हटाऊंगी, तो ये देखें खुल गए, और इसको लगा के बंद कर दूंगी। ये वेट रख दिया, अब ये कुकर नहीं खुलेगा, बस लॉक हो गया। ये देख, ये लॉक हो गया, इसमें स्टीम बनी। ये हाँ, बड़ा अच्छा सिस्टम है इसका, कोई बच्चा खोल नहीं सकता इसे। दो सीटियाँ बोल गई हैं, अब मैं इसे वेट हटाती हूँ। देखें वेट लगा हुआ ना, ये नहीं खुलेगा, लॉक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें कितना पानी इसमें हो गया। माशाल्लाह जी, खाना तैयार हो गया है। ये सैलेड, आलू गोभी और चटनी, इसके साथ सब्ज़ी हो, और सब्ज़ी के साथ चटनी सैलेड ना हो तो बस फिर खाना अधूरा होता है। मुझे बताइएगा कैसा लगा।